चुनावी रैलियों पर रोक का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। 22 जनवरी तक जारी रहेगी रैलियों पर रोक। रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली पर रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने इंडोर बैठक के लिए 300 लोगों को इजाजत दी है। छोटी सभा पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन हॉल की क्षमता से 50% से ज्यादा लोग बैठक में शामिल नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग की वर्चुअल बैठक खत्म हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, पांचों चुनावी राज्यों के मुख्य सचिव और पांचों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की। चुनाव आयोग की बैठक में रैलियां, बड़ी जनसभाओं, रोड शो पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ाने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से चर्चा हुई। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट टीमों ने जब्त किए करीब 41 करोड़ की कीमत का सामान, जिसमें कैश, हथियार, शराब समेत कई चीजें शामिल। बीजेपी ने पहले दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। 83 विधायकों में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। तो भाई बीजेपी ने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है। नए 21 उम्मीदवारों में युवा, महिला और डॉक्टर को मौका मिला। युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को, 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। प्रयागराज जिले के सराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया। नोएडा से पंकज सिंह मैदान। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया है। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा लड़ेंगे चुनाव। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना बीजेपी उम्मीदवार। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। सक्सेना को बनाया प्रत्याशी। मुरादाबाद नगर से रितेश गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। कैराना से मृगांका सिंह फिर मैदान में। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना, मिलक से श्रीमती राजबाला। तुम्हारी लिस्ट जारी करते हुए यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, योगी सरकार में दंगा मुक्त शासन रहा। योगी सरकार में विकास में तेजी आई है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूपी एक समय में बीमारी राज्य था, यूपी की तस्वीर बदल रही है। 2022 में यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था और उत्तर प्रदेश आज देश की एक नंबर राज्य। बीजेपी ने दूसरे चरण की लिस्ट में संभल विधानसभा क्षेत्र से राजेश सिंघल और असमोली विधानसभा क्षेत्र से चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू को अपना प्रत्याशी बनाया। यूपी के बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटों पर 4 सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है। सिकंदराबाद सिटिंग विधायक बमला सोलंकी को हटाकर लक्ष्मीराज बुलंदशहर सदर सीट पर सिटिंग एमएलए ऊषा सिरोही की जगह प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। सदर विधानसभा से कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक, मीरापुर विधानसभा से प्रशांत गुर्जर को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद पडरौना विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता दिखे खुश। अमित जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी घोषित करने को लेकर आवेदन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से टिकट पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, बाबा योगी को बीजेपी ने पहले ही घर भेजने की तैयारी कर दी, अब बाबा को घर में रहना होगा। योगी को गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने योगी की सीट को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश की गाड़ी डेरेल हो चुकी है, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। दरअसल जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी गाड़ी डेरेल हो गया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है।
योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर बोले असीम अरुण, कहा केंद्रीय चुनाव समिति ने जिस पर मुहर लगाई वो वहीं से चुनाव लड़ेगा, यूपी की जनता बीजेपी के साथ। केंद्रीय चुनाव समिति पे जिसपे भी मुहर लगाई वहां से सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के टिकट काटने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली, कहा सपा में अब बीजेपी के बागियों को नहीं करेंगे शामिल, बीजेपी चाहे जिस मर्जी का टिकट काटे। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा, अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। अखिलेश के बीजेपी के नेताओं को सपा में शामिल नहीं करने वाले बयान पर साधा निशाना, कहा 10 मार्च को परिणाम आएगा सब पता चल जाएगा, बीजेपी में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप देख लेंगे कि फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एक बार फिर से अखिलेश ने 80 बनाम 20 को लेकर तंज कसा, कहा 80% जनता समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ और 20% जनता बीजेपी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, जल्द ही एसपी का घोषणा पत्र सामने आएगा। वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बोले अखिलेश यादव, कहा मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की, वरना बीजेपी कोरोना के नाम पर साजिश रच सकती है। क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों एम्बुलेंस खड़ी कर दें। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी बरसे जगदम्बिका पाल, कहा वर्चुअल पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करना अपराध है, यह अखिलेश का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के नाम पे आप काम करें और फिर हजारों लोगों को बुला लें, ये तो एक तरह से अपराध है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंची लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस फोर्स, कल पार्टी कार्यालय में भीड़ इकट्ठा होने पर आज फिर से निगरानी करने पहुंची पुलिस की फोर्स। भीम आदमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार, कहा अखिलेश दलितों का साथ नहीं चाहते, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश यादव। जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई, क्योंकि घोषणा करना और उनपे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, भीम आर्मी नहीं करेगी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, कहा दलित से गठबंधन नहीं चाहते अखिलेश यादव। भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं, तो मैं समझता हूं कि जब उनको जरूरत नहीं है वो बिना दलितों की सरकार बनाना चाहे, उनको उनके लिए मेरी मंगल काम। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया, मुझे सीटों को तय करने के लिए नहीं बुलाया। ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ऑफिस में तैनात की गई पुलिस की फोर्स, पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी थी, आचार संहिता और धारा 144 के तहत में पुलिस ने पार्टी ऑफिस को घेरा। चंद्रशेखर रावण के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव, कहा समाजवादियों ने किसी का अपमान नहीं किया है, सिर्फ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने जारी की बसपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 58 में से 53 सीट पर पार्टी ने तय किया उम्मीदवार। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में बसपा बनाएगी सरकार, बीएसपी को जनता फिर से सत्ता मिलाएगी। तो फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। मायावती ने कहा बीएसपी के खिलाफ की जा रही है साजिश, बसपा दलित और वंचित लोगों की मदद करती रही है, दलितों के विकास के लिए हम समर्पित हैं। गरीब कमजोर असहाय वे अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल। पंजाब कांग्रेस में 86 में से सिर्फ 9 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिलाओं को आगे रखने का दावा ठोका था। अमृतसर ए से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से कांग्रेस ने दिया फिर से सिद्धू को टिकट।
पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। चमकौर साहिब से विधायक हैं चन्नी। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा अपनी वर्तमान सीट डेरा बाबा नानक और ओपी सोनी अमृतसर मध्य से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई मालविका सूद को मोगा से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया है। अभिनेता सोनू सूद की बहन है मालविका। पंजाब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक हरजोत कमल ने बीजेपी का दामन थामा। टिकट कटने से नाराज थे। हरजोत कमल की सीट से कांग्रेस ने मालविका सूद को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने के बाद हरजोत कमल के कांग्रेस पर आरोप। कहा, मुझे और मेरे साथियों को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस ने धोखा दिया। गुस्सा इस गल दा या कि पार्टी ने अखों परोखे किया और जिस पार्टी वास्ते दिन रात एक किया। कांग्रेस की लिस्ट पर विक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की पोल खुल गई है। खनन माफियाओं के पंजाब के खजाने को खाली करने वाले को टिकट दे दिया गया। जाने नू सन लाई अज उन्हां सारिआं नू नवाजिया गया। कांग्रेस की असली सोच पंजाब दे लोकां दे सामने आ गई है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक गुरमीत सोढ़ी पंजाब कांग्रेस की लिस्ट पर साधा निशाना। कहा, कई उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दागियों को टिकट दिया गया। पंजाब में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व मंत्री जोगिंदर मान आप में शामिल हुए। कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड चुनाव के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी का मंथन। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक। जल्द प्रत्याशियों के नाम होंगे फाइनल। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान। कहा, कोरोना के चलते कई पाबंदियां लागू हैं। सबको ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार करने पर भी चर्चा हुई। अभी कोरोना का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। इस संदर्भ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, सभी नामों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। आखिरी फैसला दिल्ली में होगा। सभी जगह से सब लोगों के अपने अपने फीडबैक हैं। अपने अपने सबके नाम आए होंगे। सभी नामों पर चर्चा होगी। उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। सीएम धामी ने एक बार फिर से किया जीत का दावा। दिया जीत का नया नारा। अब की बार सात पार खुद की खटीमा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। हम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और अब की बार हम लोगों ने नारा दिया अब की बार साठ पार। हम लोग बिल्कुल अब की बार साठ पार करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान। कहा, जीतने वाले विधायक को टिकट दिया जाएगा। चुनाव समिति की बैठक के बाद में दिल्ली में जल्द होगा फैसला। यूनिवर्सिटी क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सर गिने आते हैं। विधायक जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर लगी अंतिम मुहर। जीत हार का फैक्टर अहम है। सपा आरएलडी गठबंधन ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में आरएलडी सात लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को जेल। कोर्ट ने नाहिद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साधा निशाना। कहा, कभी मथुरा कभी अयोध्या की थी चर्चा। योगी को टिकट मिली नहीं है। इनकी वापसी का टिकट काटा गया है। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में छड़ा ट्विटर वॉर। अखिलेश पर ट्वीट करके साधा निशाना। कहा, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, न घर के रहोगे न घाट के। यूपी में चुनाव पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। जनता इस बार विकास के मुद्दे पर बोल देगी। सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, छोटे दलों की बैसाखी पर लड़ रहे हैं। ये अवसरवादी लोग हैं, कुछ भी कर लें, यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। छोटे छोटे दलों की बैसाखी से जो एक दूसरे तक कल तक लड़ते थे तो ये ना अम्बेडकर वादी है न कोई समाजवादी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को जनादेश नहीं जुगाड़ पर भरोसा है। जुगाड़ करने वालों का पहिया हिल चुका है। बीजेपी को सिर्फ जनादेश का भरोसा है। लोगों को जनादेश पर नहीं जुगाड़ पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के समर्थन से जनादेश पर भरोसा है।
बीजेपी से नेताओं के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा हमारे कारवां में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं लेकिन इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी कारवां में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले असीम अरुण, कहा आईपीएस बनने के बाद अब राजनीति में आ रहा हूं, जिस तरह से पार्टी कहेगी हम काम करेंगे। मैं लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं और मैं अपना योगदान करूंगा, जिस भी तरीके से पार्टी कहेगी मैं उस काम को करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डाबोलिम हवाई अड्डे पहुंचे, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने फूल देकर उनका स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गोवा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाएगा, जगह जगह पर फूकेंगे सरकार के पुतले। सरकार से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा, कहा सरकार ने आज तक एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनाई है, ना मुकदमे वापस लिए ना मुआवजा अभी तक दिया गया। ना एमएसपी की कमेटी बनी, ना बिजली बिल के बारे में हमसे चर्चा करनी थी वो नहीं हुआ, ये केसेस को वापस लेने का पुलिस केस। 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जेल जाकर जानेंगे किसानों का हालचाल। लखीमपुर परिवार के लोगों से मिलेंगे और जो अधिकारी थे उन अधिकारियों से सबसे मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे। राहुल गांधी के ट्वीट को पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने शेयर किया, राहुल गांधी ने कोरोना आंकड़ों को लेकर सरकार पर लगाया था झूठ बोलने का आरोप। राहुल गांधी के कोरोना वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेता अश्वनी हांडा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार सच बोलने के बजाय राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रही है, बयान को पाकिस्तान से जोड़ने की बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी जी के पाकिस्तान के साथ तार जोड़ने की बात कर रही है। यूपी के रायबरेली में आचार संहिता का उल्लंघन, पुलिस ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल की गाड़ी से उतरवाया झंडा और स्टिकर, पुलिस के साथ में नेताओं की नोकझोंक। यूपी के लखीमपुर खीरी के पालिया में विधायक रोमी साहनी ने योगी मोदी को बताया भगवान, बोले आपकी शान के लिए लोग जान देने के लिए तैयार। मालेगांव ब्लास्ट केस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील का बड़ा बयान, हम चाहते हैं किसी के साथ अन्याय ना हो, एटीएस की तरफ से महाराष्ट्र सरकार मौजूद रहेगी। अलवर में दिव्यांग के साथ हुई दरिंदगी मामले में बीजेपी नेता एसपी और डीएम की मुलाकात, महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी मौजूद। अलवर रेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा पीड़िता के गांव, पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत की, डेलीगेशन ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर रेप पीड़िता के पिता से की फोन पर बातचीत, साथ ही अलवर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से फोन पर भी चर्चा की। जयपुर में बीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अलवर रेप कांड को लेकर राजस्थान के मंत्री ममता भूपेश के आवास के सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, रेखा शर्मा का बड़ा बयान कि आरोपियों की गिरफ्तारी में राजस्थान सरकार नाकाम रही। राजस्थान सरकार बार बार नाकाम हुई है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने समाज में इस प्रकार के घिनौने काम किए हैं। स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कारोबारियों और उद्योगपतियों से बातचीत की, पीएम मोदी ने देश के उभरते स्टार्टअप की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में इस दशक में प्रौद्योगिकी का दशक कहा जाता है, इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है। आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार हुआ है, 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर था, अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है। 81 नंबर पर रुका पड़ा था, अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत
46 नंबर पर है। मरुधरा की धरती पर लहराए दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, जैसलमेर में किया गया ध्वजारोहण। खादी ने बनाया है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा झंडा। गृहमंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत की। यूपी के बदायूं में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम और एसएसपी ने कलेक्ट्रेट का दौरा किया। अधिकारियों कर्मचारियों को नामांकन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का जहरीली शराब हादसे पर बड़ा बयान, कहा सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा। यूपी के बदायूं में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किए 15.5 लाख रुपए। चुनाव को लेकर चलाए जा रही थी चेकिंग अभियान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन रेलवे ब्रिज के लिए पिलर्स का निर्माण कार्य तेजी से जारी। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का दूसरा दिन, कोविड महामारी के बीच बड़ी संख्या में जमा हुए लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में घायल हुए सांड, घायल सांडों का इलाज मेडिकल कैंप में किया गया। मांझी इंटर कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा में रुपए की वसूली का वीडियो वायरल, जांच में हुई इसकी पुष्टि, छात्रों से 500 रुपए की अवैध उगाही की गई। दिल्ली में 74वें सेना दिवस पर माल्यार्पण समारोह का आयोजन, सेना प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में 74वें सेना दिवस के अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड में हुए शामिल, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया। आज देश मना रहा है 74वां सेना दिवस, भारतीय सेना ने जारी किया अदम्य शौर्य का वीडियो, ट्वीट कर कहा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना आगे बढ़ रही है। सेना दिवस पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने किया ट्वीट, सभी सीमाओं, मोर्चों और आयामों में डट कर खड़े रहने के लिए उत्तरी कमान की सभी रैंकों की सराहना की। पीएम मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर दी बधाई, राष्ट्र सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की बहादुरी और योगदान की तारीफ की। 14वें सेना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, कहा मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य व सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। सेना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी बधाई, ट्वीट कर लिखा भारत मां की सेवा और सुरक्षा के लिए पूर्ण सक्रियता से तत्पर रहने वाले राष्ट्र प्रहरियों को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी सेना दिवस की बधाई, ट्वीट कर लिखा अदम्य साहस और अतुल्य समर्पण के साथ देश की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों और अधिकारियों को सेना दिवस की शुभकामनाएं। सेना दिवस के समारोह में सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की आदत से मजबूर, सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की तस्करी की कोशिश जारी। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है, सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बच्चों ने सेना दिवस पर सेना को दिए तोहफे, सेना दिवस की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, बांदीपुरा में 10 किलो आईईडी डिफ्यूज, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पुलिस सेना ने जम्मू के निक्की तवी इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान, पाकिस्तान संभावित घुसपैठ की सूचना के बाद तलाशी शुरू की। मध्यप्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से कटा गला, इलाज के दौरान मौत, स्कूटर से जाते समय युवती की गर्दन मांझे में उलझी, सड़क पर तड़पती रही युवती, तमाशबीन बने रहे लोग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा महंगा, परिजनों ने बंधक बनाकर युवक की जमकर पिटाई की, महिला के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद में महिला को मारी गोली, घायल को वाराणसी में भर्ती कराया गया, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे मिला महिला का शव, हत्या कर सिर काट कर फेंका गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी, महिला की शिनाख्त जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे के माल गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर आग पर पाया काबू। यूपी ग्रेटर नोएडा में चोरों ने खिड़की तोड़कर चुराया लैपटॉप, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेन देन को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस कस्टडी में फरार हुआ था बदमाश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आईटी ऑफिस के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। मोबाइल और चेन स्नैचिंग करता था बदमाश। यूपी के हमीरपुर में घर आए एक रिश्तेदार ने 5 साल की मासूम के साथ दर्दगी। आरोपी रिश्तेदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 400 लीटर अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर पक्षों में जमकर लटंडे चले। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के हमीरपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने इनामी बदमाश दिनेश को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किदवई नगर मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गुजरात के वलसाड़ में तलाट बड़ा ट्रेन हादसा। रेलवे ट्रैक पर अनजान शख्स ने रखा सीमेंट का खंभा। ट्रेन टकराने के बाद खंभा टूटकर बिखरा। मामले की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 बदमाश हुआ घायल। रिश्वत मामले में भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती बैंक में रिश्वत का मामला आया था सामने। एमपी के इंदौर में ठेला लगाने वाली महिला से मारपीट। डॉक्टर के कर्मचारियों ने की अभद्रता। पुलिस ने 1 आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली सरोजनी नगर मार्केट नजर खाली नजर आई। वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा हफ्ता। चांदनी चौक करोल बाग से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पसरा सन्नाटा। कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू। कलबुर्गी में दुकानें और मार्केट बंद। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर लगाई चेकिंग। पटना रेलवे स्टेशन पर पार्किंग। मालिकों के सामने आर्थिक संकट। कोविड मामले बढ़ने से यात्रियों की संख्या में कमी के चलते करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना वैक्सीन का लोगों में डर। वैक्सीनेशन सेंटर से पिता का हाथ छुड़ाकर भागा युवक। लोगों के समझाने पर ली कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़वानी में पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों का लगवाया जुर्माना। कोविड नियमों को पालन करने की हिदायत। कोरोना की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर में लगा वीकेंड लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी आवाजाही की इजाजत नहीं। बेंगलुरु में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा में आर्थिक तंगी से परेशानी। कर्नाटक के हुबली में वीकेंड कर्फ्यू में दिखी सख्ती। बिना किसी वैध कारण के घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने लगाया जुर्माना। कर्नाटक के शिवमोगा में वीकेंड कर्फ्यू में शहर में सख्ती। पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर लगाया जुर्माना। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 268,833 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 14,17,820 है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में ओमाइक्रॉन के कुल मामले 6,041 हुए। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना से संक्रमित 20,718 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते एक दिन में 10,661 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। एक दिन में 11 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के नए मामले बढ़े। बीते एक दिन में 15,795 कोरोना संक्रमित मिले। 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई एक दिन में। दिल्ली में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर हैं लेकिन कल से मामले में गिरावट देखी गई है। जिले में 4,000 से 8,000 कम आए हैं और आज का जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लग रहा है कि 4,000 और कम होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। कोरोना को लेकर की गई तैयारी का लिया जायजा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, हर जिले में जांच की सुविधा की गई है, हर दिन 4 लाख जांच की जाएगी। कोरोना का पहला मामला आया था उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, आज वही प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर कड़े फैसले लेने का जिक्र किया, कहा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए निगरानी समिति का किया गया गठन। 72,000 निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में, हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। पीएम मोदी ने तिरुवल्लूर दिवस पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में तिरुवल्लूर दिवस 15-16 जनवरी को मनाया जाता है, ये पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी, श्रद्धा के पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं को दी मकर संक्रांति की बधाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई के वल्लूर कोटा में तिरुवल्लूर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमृत कानून पार्क का उद्घाटन किया, नगांव नगर पालिका बोर्ड ने करवाया पार्क का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज, मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का काम हुआ पूरा, दिसंबर 2023 में श्रद्धालु कर पाएंगे रामलला के दर्शन। गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, ठंड और कोरोना ने श्रद्धालुओं की संख्या कम की। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आई। हैदराबाद में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते नजर आए लोग, लोगों ने सामाजिक दूरी का रखा ख्याल। श्रीनगर में होटल प्रबंधन संस्थान IHM की पहल, कश्मीर में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन कर्मचारियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिला सशक्तिकरण पर जोर, पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सड़क निर्माण का काम शुरू होने से दरोई पंचायत के लोग खुश, ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न का सरकार का शुक्रिया। शिमला में भारी बर्फबारी बनी आफत, बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ा असर। विराट कोहली ने किया बड़ा ऐलान, विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, ट्वीट कर धोनी का कहा शुक्रिया, धोनी वनडे और T20 की पहली ही, धोनी को शुक्रिया कहा और विराट कोहली पहले ही कप्तानी छोड़ चुके हैं T20 की। BCCI ने तारीफ करते हुए कोहली को बताया सफल कप्तान, कहा टेस्ट टीम को ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम योगदान, कोहली की कप्तानी में 68 में से 40 मैच जीते। जयशाह ने विराट कोहली की तारीफ की, कहा कप्तान के रूप में शानदार कार्यकाल के लिए बधाई। बोलिविया चिली बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर कोविड टेस्ट के लिए कई दिनों से फंसे हुए हैं, चिली में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर एंट्री पर बैन है।